सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग फिनोमेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपैक्ट रेसलिंग रिबिलियन पेपरव्यू के नाइट 2 के पूरे रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पेपरव्यू की शुरुआत होती है एक फेटल फोर वे मैच से, जो कि होता है रोहित राजू वर्सेस ट्रे वर्सेस क्रिस बे वर्सेस सुसाइड के बीच एक फेटल फोर वे मैच। और इस मैच का जो एंड है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो ट्रे होते हैं वो सुसाइड को डबल नी मारते हैं फ्रॉम द टॉप रोप। उसके बाद में रोहित राजू जाते हैं कवर करने के लिए, लेकिन क्रिस बे आके उन्हें पीछे से किक मारते हैं और उसके बाद में वो पिन कर देते हैं रोहित राजू को और इस मैच को जीत लेते हैं। और यहां जो है हमारी प्रिडिक्शन गलत साबित हो गई। अगला मैच हमें देखने को मिलता है जोई रायन और कजन जेक के बीच में एक सिंगल्स मैच, और ये मैच भी काफी धांसू था जहां हमें काफी बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से। लेकिन आखिर में जो है जोई रायन बाजी मार जाते हैं जहां वो रोलअप के थ्रू कवर करते हैं और फिर रोप्स को पकड़ लेते हैं जो कि रेफरी देखता नहीं है, और इस तरीके से 3 काउंट हो जाता है और जोई रायन इस मैच को जीत लेते हैं। अगला मैच हमें देखने को मिलता है एक फुल मेटल मेहम मैच, हैविक वर्सेस रोजमरी। और क्या मैच था यार ये, मतलब यहाँ पे चेयर का यूज होता है, यहाँ पर चेन का यूज होता है, और इवन यहाँ पर स्टील के या लोहे के पाइप का यूज होता है। और मैच के आखिर में 2 बार रोजमरी जो है वो हैविक के सिर पे पाइप से अटैक करती हैं, उसके बाद में उन्हें पिन करके हरा देती हैं। तो यहां भी हमारा प्रिडिक्शन गलत साबित हो गया। दोस्तों जो इंपैक्ट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियंस है द नॉर्थ, वो भी कनाडा में फंसे हुए थे जिसकी वजह से वो अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाया आज के पीपीवी में, और इस वजह से टैग टीम चैंपियनशिप का तो मैच ही नहीं हुआ। अगला मैच हमें देखने को मिलता है इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, नहीं दरअसल ये मैच था TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जो TNA कंपनी है वो तो काफी टाइम से खत्म हो चुकी है, मतलब TNA नाम ही गायब हो चुका है वहां से, जिसका नाम अब इंपैक्ट रेसलिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है, मूस ने आज वापसी करवा दी है TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी। दरअसल होता यूं है कि स्टार्टिंग में आते हैं माइकल एल्गिन, वहां पे माइकल एल्गिन कहते हैं कि भैया जो टेसा ब्लांचर्ड है वो उनसे डर चुकी है, वो मेक्सिको में ही है अभी और वो अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएंगी। एडी एडवर्ड्स भी किसी न किसी कारण से वहां नहीं आ पाए थे, तो माइकल एल्गिन ने कहा कि भैया 5 मैचेस में एडी एडवर्ड्स मुझे फेस कर चुका है और अब शायद उसमें हिम्मत नहीं है कि वो मुझे फेस कर सके। तो रेफरी और अनाउंसर दोनों उनके साइड में खड़े हुए होते हैं और माइकल एल्गिन कहते हैं कि आप मेरे हाथ रेस करवा दो, आप मेरे हैंड्स रेस करवा दो और मुझे नया इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर कर दो। अब उसके बाद में जब अनाउंसर जो है उनका नाम डिक्लेयर करने जा रहा होता है तो इतने में आ जाते हैं मूस, और उनके साथ में आप गेस कीजिए कि क्या होता है, उनके पास में TNA का वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है। जिसके बाद में मूस आके माइकल एल्गिन को कहते हैं कि ये बहुत प्रेस्टिजियस टाइटल है, TNA वर्ल्ड चैंपियनशिप ये है। और इसके बाद में माइकल एल्गिन और मूस के बीच में बातचीत होती है जहां वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो है उनके बीच में मैच होगा TNA वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। इतने में हर्नांडस वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम TNA वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हो या फिर TNA की किसी भी टाइटल के लिए मैच हो रहा है तो तुम्हें उस मैच के अंदर एक ऐसे बंदे को शामिल करना होगा जो कि TNA का ओरिजिनल है और मैं वो ओरिजिनल हूं। जिसके बाद में ट्रिपल थ्रेट मैच होता है माइकल एलियन वर्सेस मूस वर्सेस हर्नांडस के बीच फॉर द TNA वर्ल्ड चैंपियनशिप। दोस्तों ये मैच शो स्टीलिंग मैच था जहां तीनों ही सुपरस्टार्स ने रिंग के अंदर एकदम तबाही ला दी थी, और तीनों ही सुपरस्टार्स का वेट जो है वो 250 पाउंड से ऊपर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना खतरनाक ये हैवीवेट वॉरफेयर रहा होगा। हर्नांडस सुप्लेक्स लगाने जाते हैं मूस को एक टाइम पे, और माइकल एल्गिन पीछे से आते हैं और वो दोनों ही सुपरस्टार्स यानी कि हर्नांडस और मूस को उठा के सुप्लेक्स लगा देते हैं। तो काफी बढ़िया बढ़िया मूव्स इस मैच में हमें देखने को मिले, और आखिर में क्या होता है, मूव्स जो है वो बन जाते हैं न्यू TNA वर्ल्ड चैंपियन। वो पिन कर देते हैं हर्नांडस को एक स्पीयर मार के, और इस तरीके से अब मूस है आपके TNA वर्ल्ड चैंपियन और टेसा ब्लांचर्ड है आपकी इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन। यानी कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर होगा एक यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जहां मूस और टेसा ब्लांचर्ड के बीच आपको आने वाले टाइम में फ्यूड देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मूस है TNA वर्ल्ड चैंपियन, टेसा ब्लांचर्ड है इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो मेरे ख्याल से जो TNA वाले हैं यानी कि इंपैक्ट रेसलिंग वाले हैं वो आने वाले टाइम में इस चीज के साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बना सकते हैं जिसे देखने में काफी मजा आएगा।
अगर आपने आज का पेपर व्यू रिबिलियन नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इंपैक्ट रेसलिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, ये चारों मैचेस आपको अवेलेबल मिलेंगे और वहां जाके आप इन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।